हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी। तो गाइस, आज हम लोग एक नया व्लॉग लेके आए हैं और ये क्या है, ये है डेयर टू ईट चैलेंज एक्सेप्टेड। इसमें क्या है कि ये एहसान है, एहसान ने ना 10 पर्ची बनाया और 10 टाइप का कुछ खाने का सामान दिया है और उस पर्ची को मिक्स कर दिया है। उस पर्ची में से एक एक पर्ची निकालना है, जिसके नाम से वो पर्ची होगा, जिस नंबर से होगा वो चीज उसे खाना होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो क्या क्या चीज है। तो आप देखिए, ये देखिए सोफिया, और ये हमारा बेबी बच्चा है, और ये है पापा है, सोफिया बच्चे को खिला रही है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एहसान, देखिए ये क्या क्या सेटिंग रेडी किया है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत एक्साइटिंग और मतलब मजेदार गेम है। अब इसको हम लोग बहुत बहुत इंजॉय से शूट करना चाहते हैं और इंजॉय करना चाहते हैं इस वीडियो को, तो आप भी इंजॉय कीजिए और बहुत मजा आने वाला है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस टाइप का वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। इस टाइप का वीडियो गाइस आपको इनके चैनल पे भी मिलेगा, इनके चैनल पे, इनका चैनल का नाम मैं बता रहा हूँ, रौनक की दुनिया। इस टाइप की वीडियो मिलेगी, अब रेगुलर वीडियो आएगी, पहले मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी पे आएगी, फिर रौनक की दुनिया पे आएगी। और ये देखिए, ये फैसल है, फैसल दिल्ली ब्लॉग्स, तो इनके चैनल पे भी आएगा। तो एक एक दिन करके सबके चैनल पे हम लोग वीडियोस डालेंगे, तो आप लोग सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरह का वीडियो पसंद है। तो ये सब तैयारी है, ये सब लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और ये कुछ नहीं पता है, एहसान कर रहा है, तो इसमें चीटिंग वाली कोई बात नहीं है कि हम चीटिंग करेंगे। अच्छा, ये सब एहसान कर रहा है, तो कैसे सेटअप किया यही जानता है। ये देखिए, ये सारा सेटअप रेडी कर रहा है और बाबू इधर रोना शुरू कर दिए हैं। रोना नहीं, नाटक इनका चालू है, रो थोड़ी रहे हैं, इनका मस्ती चालू है बस, ये पेट की दिख रहा है। तो हमें सब चीज मैनेज करना है, बाबू को भी देखना है और वीडियोस भी बनाना है, तो बहुत डिफिकल्ट है गाइस। बच्चा घर में छोटा है, तो हम लोग सब चीज मैनेज करके ही चलेंगे, बाबू को भी देखना है और वीडियोस भी देखना है, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है, ये 10 चीजें हैं, इसमें से क्या क्या है, चलिए। ये हमारा जो चिट है, इसमें 10 चिट है, 10 ये जो भी हैं, इसमें से हम जो भी नंबरिंग ऐसे कुछ भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर जितना नंबर आएगा ना, तो जितने नंबर पे जो चीज है हमें वो खाना है। और ये सब सेटअप एहसान किया है, तो हमें कुछ नहीं पता है इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, सही लिखा होगा। और ये है एक, ये है बटर, एंड ये है क्या है, सेजवान सॉस है, ये मेयोनीज है, ये टोमेटो केचप है, ये लेमन है, जिंजर है, कॉफी है, एंड ये है ग्रीन चिल्ली सॉस और विनेगर। ये 10 चीजें हैं, देखते हैं किसको क्या मिलता है। ओ माय गॉड, कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी, जिसको जो मिल जाए वो खाएंगे, इसमें कोई चीटिंग वाली कोई बात नहीं है। सो एवरीवन, ये चैलेंज हम चारों करने वाले हैं और देखते हैं कि हम चारों के किस्मत में क्या गंदगी पड़ी हुई है। मेरे को बहुत डर लग रहा है। बाबू नहीं कहेगा क्या? नहीं, बाबू सबको हाय बोलो बेटा, हाय बोल लिया। और आप कुछ बोलना चाहते हैं जी? मैं तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, जिसको जो जो खाना होगा, तो क्या क्या रखा है मैंने तो अभी देखा भी नहीं। आपका क्या रोल है सर इसमें? मेरा, इनका सब इन्हीं का रोल है, मेरा रोल है सब। ये ऑडियंस बन के मजे लेंगे, है ना? हाँ, सबसे ज्यादा हम मजे लेंगे। क्या जिसके किस्मत में जो गंदा चीज गुजरा है। ओह माय गॉड, मुझे तो सबसे ज्यादा डर इससे लग रहा है, मेरे को भी उससे लग रहा है। सच्ची बता रही हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अगर ये आ गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। क्या आ गया तो सबसे ज्यादा मुझे डर इससे लग रहा है, अंडे से। और इससे मेरे को भी इससे डर लग रहा है, क्योंकि मैं खाई तो मैं उल्टी पक्का करूँगी। ये तो खाना ही पड़ेगा, जो जिसके नसीब में आएगा वो खाना पड़ेगा। तो चल भी जाएगा, वो बहुत गंदा लगता है, एग होता है। नो नो, अरे जिसका जितना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सब लोग रेडी हैं? जी। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इधर से स्टार्ट होगा, इधर से नहीं, पहले उधर से होगा, इधर से स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अच्छा ठीक है, तो पहले अगर इधर से स्टार्ट होगा तो अंडा का बारी इधर हो जाएगा, पहले है ना, तो पहले इधर से। और चीज मुझे कहीं पता नहीं है,
आप निकालो ना फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओके डन निकालो। चलिए कौन निकालेगा? आपका निकालना है। मैं निकाली। ये आपके सामने है पर्ची और ये फैसल निकालेंगे इसमें से। निकालिए फैसल। मैं नहीं निकालूंगा पहले। निकाल लूं मैं। हाँ इसमें से निकालिए। कौन सा निकालू मैं? अरे कुछ भी निकालो ना, इसमें पता चलने वाला नहीं है। मुझे पता है मैंने रखा है सब कुछ यहाँ पे। ये मैं निकालने जा रहा हूँ अब, देखता हूँ। और एहसान पड़ेगा। एहसान है यहाँ, वही रखा है, उसे ही पता है। चलिए ये आप नहीं पड़ेगा, एहसान पड़ेगा। चलो रेडी ओके। ये चार नंबर है तो फैसल को चार नंबर खिलाना है। चार नंबर में क्या है? फोर एंड फोर ठीक है। तो चार नंबर पे मेयोनीज है तो इसको तो बहुत अच्छा मिल गया। अब देख सकते हैं अच्छा क्या मिला है ये। मैं तो मोमोज के साथ खाना तो पड़ेगा, चैलेंज है। चलो रेडी पीछे मजा आ गया लग रहा है मेरे को। मैंने खाया मोमोज के साथ नहीं खाया। चलो अब रेडी दूसरा। आप ही चलो ये मैं निकाल रहा हूँ इसमें से। आप देख सकते हैं ये ले ले रहा हूँ। ऐसा पढ़ो क्या है? मम्मा को बढ़िया चीज़ हो, बढ़िया चीज़ नहीं आएगा ये। वाह क्या टेस्टी चीज़ है। क्या है बे? बताओ बताओ कितना नंबर है? सही में नंबर बताओ। एक नंबर है। एक नंबर कौन सा है? सबसे पहला ग्रीन चिल्ली। क्या बात है, ग्रीन चिल्ली तो बहुत है। फिर भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, इसे खाता हूँ। ये आने वाला है ये। कोई निकालो, वेरी एक्साइटेड। ये आने वाला है ये। तो ये देखिएगा यार कितने नंबर है। बोलो बोलो तो अब हम अंडे फोड़ेंगे और रौनक खाएंगी अंडा। ये आया एग। मेरे को जिस बात का डर था मेरे साथ कच्चा अंडा है, हम आपको पहले ही खाएंगे। ये देखिए टूट चुका अंडा हो गया बहुत। ये निकला अंडा, उधर फेंक रहे थे नीचे वाले रौनक। अंडे 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 मुझे पता था मेरे किस्मत नहीं होगी। स्टार्ट की अंडे खाई। ओह माय गॉड ये खा लो जल्दी से। ओह माय गॉड मत कर देना, वोमिटिंग मत कर देना। अरे यार सच में हो जाएगा आप लोग कर रहे हैं। नो चलो ये हो गया अंडा, ये हो गया खा लिया अंडा। अब तो रहेगा करते हैं। अब सूखे का बारी, सूखे का बारी। मुझे पानी दे दो। निकाली नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। हम लोग देखेंगे ना क्या है। ये खुला पर ये नौ नंबर है, नौ नंबर है ठीक है। तो नौ नंबर देखते हैं क्या है। ये आया। ओह माय गॉड ये क्या है? सेजवान सॉस। सेजवान सॉस, सेजवान सॉस है। मुझे मिल गया होता वो। नौ नंबर पे ही आया, नौ नंबर पे सेजवान सॉस आया है। और ये खाना है सुफिया को, इसका भी स्पाइसी फेवरेट है। इसके साथ समोसा रहता है। वाओ कितना टेस्टी चीज खा लिया है। नोट कर रहे हैं चलो ये कैसा लगा? मेरा मन वोमिटिंग हो रहा है, यही कर लूंगी मैं। अरे नहीं
ये दिखाओ क्या है। ओह माय गॉड, ये क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, ये 10 नंबर पे क्या है भाई? 10 नंबर आए हैं, 10 नंबर में देखते हैं क्या है। 10 नंबर में है ये बटर, ये बटर खाना है फैसल को। अरे पूरा खाओ ना थोड़ा सा। वाओ, ये तो पूरा फिनिश कर गया। अब अब मेरा बारी है, बट कूल कूल कूल। अब देखते हैं क्या क्या रहा है, क्या रहा है ये देखते हैं। कौन खोलेगा? एहसान खोलेगा, कोई बात नहीं। क्या है एहसान? 2 नंबर। सही बोला जिंजर। दो नंबर में कॉफी है। इसका कॉफी बन जाता तो मैं पी नहीं, ब्लैक कॉफी ले जाए तो फिर यही खाना है। चलो बहुत ज्यादा अब मैं कॉफी बना लेते हैं। मेरे पास आता तो मेरे को मजा आता खाने में। ओह माय गॉड, बहुत पसंद है कॉफी। ऐसे ऐसे मुझे नहीं पसंद है, मुझे उस कॉफी। ये ओह नो, ये बहुत करवा रहा है। कैसा लगा? सबसे लकी किस्मत पता किसका है? देखिए क्या 8 नंबर आया है, रोमन का 8 नंबर आया है। 8 नंबर क्या है देखते हैं। नींबू खोले मत है। लेमन, ये तो बहुत खुश हो रही है। बहुत खराब है, अंडा खा के तो मैं ये खाऊंगी तो थोड़ा सही हो जाएगा। अरे मैं इसको जूस निकाल कर। नहीं नहीं खाना ही है। ओह माय गॉड, यस। कितना मजा आएगा इससे, तो अच्छा लगता होगा, मजा आता होगा। फेवरेट लेमन ये थोड़ी खाते हैं। ये इसने छिलके के साथ खाया है। ये छिलके के साथ खा ली मैं। अब आने वाला है जिंजर, कड़वा लग रहा है जिंजर। जिंजर देखते हैं ये सफिया का क्या आया है। जिंजर आ जाए मजा आ जाएगा। ये देखते हैं सफिया का क्या आया है। ये है 3 नंबर। 3 नंबर किसका है? ओह नो, क्या है ये तो बहुत आसानी से कोई भी कर सकता है। ये गुड लग रहा है, ये हमारा फाइनल के लिए है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, टीम बांटेंगे। एक हम लोग पर्ची बनाएंगे, 2 में लिखा रहेगा रेड और 2 में लिखा रहेगा ब्लू। तो उस चारों में से जो जो निकालेगा मैच कर जाएगा, रेड रेड मैच करेगा वो उसके टीम में चला जाएगा और ब्लू ब्लू उसके टीम में चला जाएगा। तो हम लोगों का 4 लोगों का टीम बट जाएगा 2-2 लोगों में। और उसके बाद नेक्स्ट में दोनों, अब इन दोनों में से हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो जिसके नसीब में होगा। अगर विनेगर और जिंजर, तो जिंजर अगर निकलेगा तो दोनों मिलके खाएंगे और विनेगर मिल जाएगा तो दोनों मिलके पियेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि विनर कौन है। विनर वही होगा जो सबसे डिफिकल्ट होगा और वो आपको भी पता है, तो हम बताएंगे और उसको विनर को हम लोग गिफ्ट देंगे। चलो सो फिर आप निकालो, मैं नहीं बताऊंगा। सब निकाल लेंगे फिर मैं बताऊंगी, फिर मैं निकालता हूँ। और अपना बोलो क्या किसका है। ये आया मेरा ब्लू, रेड मेरा ब्लू। हम दोनों पार्टनर है और ये पार्टनर है। ठीक है, चलो मैं ये निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ही आएगा। 7 नंबर, 7 नंबर। हमारा विनेगर मिला है, ये आया हमारा। तो हमें ये पानी नहीं है, ये विनेगर है, असली विनेगर है। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
माय गॉड अब जिंजर आपको आपकी बारी खाना तो पड़ेगा पहले ही वो लग रहा है खाने के बाद पता नहीं क्या होने वाला है। खाओ खाओ जल्दी से खा लू। तो गाइस अब वक्त आ गया है विजेता का विनर का। तो अब हम लोग डिसाइड करेंगे विनर कौन है। वैसे तुम क्या क्या खाया मेरे को याद नहीं। सबसे डिफिकल्ट जिंजर, सबसे डिफिकल्ट चीज जो जो खाया होगा वही विनर होगा। तो आई थिंक अंडा से डिफिकल्ट कोई चीज नहीं हो सकता है। कच्चे और इसने लेमन भी खाया, कच्चा लेमन छिलके के साथ। ओह माय गॉड, हमने छिलके के साथ खाई हो। ठीक है, तो ये इस गेम का विनर होती है कौन कौन जी, सब लोग जानते हैं कौन। तो रौनक को गिफ्ट दिया जाए, क्या लिया है गिफ्ट दिया जाए, रौनक का गिफ्ट लाया जाए। ऐसा हम रौनक का गिफ्ट लाइए और ये गिफ्ट दिया जाएगा मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी के तरफ से। ठीक है, ये आप दीजिए और ये मैं दूंगा। मैं हूं मिस्टर आसिफ और ये हूं मिसेस सोफिया। तो मिस्टर एंड मिसेस सिद्दीकी रौनक को ये गिफ्ट दिया जाए। थैंक यू। अच्छा गिफ्ट और लेमन खा के मैं अपनी लाइफ में पहली बार कच्चा अंडा खाई हूँ और उसका ये है अंडे का अंडा है। तो कैसा लगा अंडा है। सो फ्रेंड आपको इस ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए और आप कमेंट में बताइए कि किस टाइप का वीडियो बनाना है। ठीक है, तो इसी टाइप का वीडियो इनके चैनल पे और इनके चैनल पे भी मिलेगा नेक्स्ट डे में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।